वो तो उस तरह है जैसे एक हाथ दाढ़ी को एक पैर वालों। पहले तो इन्होंने ऐसा गंदा बयान देकर सारे किसान वर्ग की बहुत तोहिन की है, जो बहुत ही चिंताजनक विषय है। एक बहुत बड़ी किसान आंदोलन की बेइज्जती है इसमें, और एक सारे किसान वर्ग की बेइज्जती है। जो इसने बयान दिया बहुत ही अफसोसजनक है। सारा किसान वर्ग, सारा देश इसकी घोर निंदा करता है। अब वो बात दूसरी है, तो ये इतना गंदा बयान देकर इसने जो माफ़ी मांगी है, हम ये किसान वर्ग इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये सब जो आरएसएस वाले हैं, इनके बच्चे नहीं हैं। हमें तो इनके ऊपर भी शक है, भी नहीं अपने माँ बाप की औलाद नहीं है। अगर इनके अंदर परिवार चलाने की क्षमता होती, परिवार चलाए होते, इनके बच्चे अपने होते, और इनको पता होता है कैसे बच्चे का दुख होता है। ये लोकतंत्र की सुनने की तो क्या, उल्टा इनको बदनाम करने पर लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को, और लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लीडरों को अपने घर में और अपने हलके में बढ़ने से बंद कर देना चाहिए। और हम भी स्टेट लेवल पे प्रधान जी को इसके बारे में बोलेंगे, कोई भी ऐसा नेता हमारे बीच में ना रहे, उसको उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाया जाए कि वो हमारे समाज में ऐसे गंदे लोग ना रहे, ना आगे आएँ। और भी सोचना पड़ेगा लोगों को आने वाले समय के अंदर, कितनी नीच सोच के लोग हैं जो इतने इतने बड़े अहदों के ऊपर बैठ कर भी उल जुलूल बोलते हैं और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिनके बच्चे चले गए, उनके घर पर जाकर देखना वहाँ पे हालात कैसे हैं और उनका कैसे जीवन व्यतीत होगा। जो कृषि मंत्री जी का बयान आया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि आम जन समाज में कोई भी किसी की भी डेथ हो जाती है, उसके ऊपर हर आदमी भावहीन श्रद्धांजलि देता है, मन में अफसोस करता है कि जो भाई गुजर गया है उसका एक परिवार होता है, बच्चे होते हैं, बीबी होते हैं, माँ बाप होते हैं, जो पूरे परिवार को वो चलाता है। लेकिन जो 200 किसान गुजर गए हैं, वो एक अपना आंदोलन करते हुए वो शहीद हुए हैं, जिनको हंस के बोल रहा था। देखो कितनी घटिया बात है कि हंस के बात कर रहा था, अभी क्या हो गया, वो गुजर गए। तो इनके मन में आम समाज के बारे में यदि कहीं भी कुछ भी बात होती है, इनके जो लीडर साहबान ने ये अपना परिचय दिया कि हमें किसी का कोई अफसोस नहीं, कोई मरे कोई जिए, हमने तो मंत्री बनना था, हम मंत्री बन गए हैं। हमें तो ये है भी, ये तो जहाँ किसान और जवान का नारा दिया था हमारे पुराने बुजुर्गों ने भी, किसान और जवान एक ही तरह के देश को चलाने वाले साथी हैं। ये तो जवानों पर भी कहीं ना कहीं अंदर खाते ऐसे ही बैठ के हंसते होंगे कि जवान भी जो शहीद होते हैं उनके बारे में भी इनको, मेरे को नहीं लगता भी कोई दुख होता होगा। और कृषि मंत्री के बयान पे तो इतना गंदा बयान देना उनकी मानसिकता को दर्शाता है, उनकी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। मतलब इतना गंदा बयान है जिसकी तो हम निखेधी भी नहीं कर सकते, बहुत गंदा बयान है। मरने वाले के, अगर हमारा कोई दुश्मन भी मरता है ना जी, उसके लिए भी हम संवेदना करते हैं। और इन्होंने 200 किसानों को शहीद होने पे हंस हंस के जो बयान देना, बहुत गलत बयान है, बहुत निंदनीय बयान है, और बहुत कोई माफ़ी के लायक बयान नहीं है। हम तो, अगर इनकी पार्टी में भी बड़ी मोटी गैरत हो तो इससे एकदम इस्तीफा लेके पार्टी से निष्कासित करना चाहिए ऐसे आदमी को। और ये तो समाज में रहने लायक भी आदमी नहीं है, मैं इसकी बहुत घोर निंदा करता हूँ।